नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ प्रेम जाल में फंसा कर नाबालिग किशोर जी को पंजाब से अलीगढ़ लेकर आया मुस्लिम युवक। दीवानी में कोर्ट मैरिज के दौरान की पिटाई, पंजाब पुलिस पहुंची अलीगढ़। जनपद अलीगढ़ की दीवानी न्यायालय परिषद के अंदर एक मुस्लिम युवक के साथ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जहां युवक एक लड़की को लेकर कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचा था, जहां घटना कोर्ट परिषद के अंदर से शुरू होते बाहर सड़क पर पहुंच गई, जिसके बाद घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो को युवक पुलिस कर्मियों के द्वारा जबरन ई रिक्शा में बैठाते हुए देखा जा सकता है। वहीं लड़की अलग धर्म की है और सोनू से शादी के लिए चंडीगढ़ से अलीगढ़ आई थी, जबकि सोनू युवक मलिक अलीगढ़ का रहने वाला है। मलिक हरियाणा के अंबाला में काम करता है। अलीगढ़ कोर्ट परिसर में कल उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब गैर समुदाय के युवक युवती वहां से शादी करने पहुंच गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया व प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट परिसर के बाहर जब पुलिस उन लोगों को जाने देने लगी तो युवक युवती दोनों का ड्रामा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। युवती जहां अपने प्यार को पाने के लिए तरह तरह के डायलॉग बोल रही थी, वहीं प्रेमी भी मजनू की तरह प्रेमिका के लिए जमीन पर लेट गया, लोगों से प्रेमिका को दिलाने की फरियाद करने लगा। लेकिन पुलिस दोनों को थाने सिविल लाइन ले आई। पुलिस ने युवक युवती के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट करने पर अब तक लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया है। प्रेमी को जब पुलिस अपने साथ ले जा रही थी तो वह कुछ ऐसे ही बात बोल रहा था, मेरे प्यार को रोक लिया है, हमें बहुत मारा है कोर्ट में, मेरे प्यार को रोक लिया है, मेरा नाम सोनू मलिक है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते कहते प्रेमी जमीन पर अधनग्न लेट गया, जिसे पुलिस उठाकर ई रिक्शा में बैठाकर थाने ले गई। लड़का लगातार अपनी प्रेमिका का नाम लेता रहा। दरअसल पंजाब के मोहल्ले में अलीगढ़ के जीवनगढ़ का रहने वाला सोनू मलिक फेरी लगाकर कपड़े का काम करता है। वहां पर उसका फेसबुक से प्रेम संबंध मोहाली की रहने वाली एक नाबालिग युवती से हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि नाबालिग प्रेमिका अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर अलीगढ़ शादी करने पहुँच गई। उधर लड़की के घर वालों ने लड़की के अपहरण का एक मुकदमा सोनू मलिक के खिलाफ मोहाली में दर्ज करा दिया है। कल जब दोनों युवक युवती अलीगढ़ कोर्ट परिसर में शादी के लिए पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों को पता चल गया कि दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। इस पर कोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने उन दोनों के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। हालांकि युवक युवती दोनों एक दूसरे को साथ जाने की जिद में अड़े रहे, लेकिन पुलिस जबरदस्ती दोनों को थाने ले आई। युवती खुद को अपने आप को नाबालिग बता रही थी। उधर पंजाब पुलिस को जब जानकारी मिली कि युवक और युवती अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में है, तो पंजाब के मोहाली पुलिस को एक टीम अलीगढ़ के थाना पुलिस लाइन में आ गई। पुलिस के साथ युवती का पिता भी मौजूद था। उसने अलीगढ़ पुलिस को युवती के नाबालिग होने के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद अब मोहाली पुलिस युवक और युवती को अपने साथ मोहाली लेकर जा रही है। उधर कल तक जो प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए तड़प रही थी, वह आज थाने में बदल गई। मीडिया को दिए गए बयान में प्रेमिका ने बताया कि मेरी उससे फेसबुक पर बात हुई, अपना नाम सोनू बताया, लंबी बात चली, यह मुझे बोल रहे थे कि हिंदू हूँ, तो मैं समझ कर बात कर रही थी, बाद में पता चला कि यह मुसलमान है। बाइक से अलीगढ़ लेकर आए और कहा कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। कोर्ट मैरिज करनी चाहिए तो वहाँ पर वकीलों ने बहुत बोला, अपना नाम केवल सोनू बताया, घर वालों के बात करने से पता चल गया कि मुसलमान है, यह हमेशा सलाम वालेकुम बोलते थे, मुझे अपनी दीदी के घर पर रखे हुए थे, 3 दिन पहले मुझे पंजाब से चंडीगढ़ बाइक से लेकर आए, पहले हमारी हाय हेलो चली और फिर काफ़ी बातचीत हुई, उसके बाद से शादी की बात करने लगे, इसलिए आई थी मैं। उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुमराह किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा, मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा। सोनू फिर लंबी बात चली हमारी, मैं इनको ये मुझे बोल रहे थे कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू समझ के बात करी, बाद में पता लगा ये मुसलमान है। कैसे लेके आए अलीगढ़ बाइक से? क्या कह के? ये बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज करूँगा। कोर्ट मैरिज हमने करनी चाहिए तो वहाँ पे वकीलों ने बहुत कुछ बोला। तो तुम्हें इन्होंने अपना नाम क्या बताया था? सोनू से सोनू बताया था। फिर बाद में कैसे पता चला तुम्हें? बाद में घर वालों के
बात करने का तरीका से पता लग गया कैसे बोलते हैं। क्या पता चला? वो हमेशा सलाम अलैकुम बोलते थे, तो वो तो मुसलमान ही बोलते हैं सलाम अलैकुम। कितने दिन पहले लाए थे आपको, कहाँ रखा था? अपने बाजी के घर पे, अपने दीदी के घर पे रखा था। कितने दिन पहले लाए थे? दो तीन दिन पहले। कहाँ से लाए थे? चंडीगढ़ से। तो कहाँ से लाए थे? बाइक से। अच्छा, आपसे क्या क्या कहा था आपसे पहले स्टार्टिंग में? हाय हेलो चली थी, उसके बाद काफ़ी बात चली, उसके बाद फिर वही मैरिज मुरिज के बारे में बात चली थी, तभी आई थी। तो तुम्हें गुमराह किया है इन्होंने? थोड़ा सा। कैसे गुमराह किया था? कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा, नहीं मिली तो जहर खा लूंगा। नाम भी बदला था? नाम सिर्फ सोनू बताया था और कुछ नहीं। क्या चाहती हो आप, क्या कार्रवाई चाहती है? चलो ठीक। प्रेमिका के पिता ने बताया अपने बच्ची को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मोबाइल दिया, मेरी बच्ची को फेसबुक पर फुसला कर के ब्रेन फ्रॉश किया, बच्ची को बुला करके अलीगढ़ मोटरसाइकिल से लाया, सोनू मलिक ने उससे पैसे मंगवाए, यह 5 दिन से फरार था, मैंने वहां पर रिपोर्ट लिखवाई और पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा हूं वहां पर, फिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरा नाम गोविंद पासवान है, मैं नया गांव पंजाब से रहने वाला हूं, चंडीगढ़ के आसपास जो है मोहाली जिले का। हमारे बच्चे ऑनलाइन के लिए मैंने मोबाइल दिया था उनको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था, इसने फेसबुक पे चैट करके मेरे बच्चे के भला फुसला तक, तो वहाँ से इतना माइंड वॉश किया उसको, बच्चे को उनको बुला करके वहाँ गया अलीगढ़ से मोटरसाइकिल से, बच्चे को वहाँ से उठा करके यहाँ अलीगढ़ मोटरसाइकिल से उठा करके लाया। कौन? ये सोनू मलिक। और इसने पैसे बोला 2 लाख लेके आ, 4 लाख लेके आ, पैसे वहाँ से भी उठा करके लाया, मोबाइल लाया है 20,000 करके उठा करके, और साथ में 5-6 दिन से फरार था। मैं वहाँ रिपोर्ट लगाया, पागल की तरह ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, यहाँ अलीगढ़ थाना में ये आकर के मुझे मिला। क्या पता चला? वहाँ पे रिपोर्ट लिखाया, इनका जीजा सब और इनके दोस्त सब अम्बाला में, 7 आदमी था वहाँ मिला। क्या काम करता था? ये बाइक के काम, फेरी पूरी के काम करते हैं। अच्छा, और कैसे लड़की संपर्क में आई? लड़की फेसबुक पे संपर्क में इसको आई, तो फेसबुक पे चैट करते समय ये अपना दोस्ती जोड़ लिया। वैसे क्या बताया था इसने? सोनू मलिक ने, सोनू मलिक ने ये बताया था कि हम तेरे साथ में शादी करूंगा, ये करूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। क्या नाम बताया था? नाम क्या बताया था? सोनू, वो ये नाम बताया था, मेरा नाम सोनू है, मैं हिंदू हूँ मैं, लेकिन ये मुसलमान है। क्या नाम? फिर सोनू मलिक बोला, सोनू मलिक हूँ। फिर उसके बाद इसको जब जाँच पड़ताल करने लगा, जब लड़की लेके आया, फिर फोन रिकॉर्डिंग निकलवाया, तो इनका एड्रेस सब आया, तो अम्बाला में इनका गैंग है। फिर वहाँ से 7 आदमी नया गांव थाना से पुलिस वाले आकर तो उठाया यहाँ से। कितने लोग हैं वहाँ? 7 आदमी था, अभी भी 6 आदमी वहाँ। क्या काम करते हैं? ये बैग बुक बेचते हैं। अच्छा, कैसे लेकर आया ये यहाँ पर, क्या करना चाहता था? ये बोल रहा शादी करने चाहता था, वहाँ से बोला मैं हिंदू हूँ, धर्म परिवर्तन के चक्कर से ये शादी करने चाहता था। क्या कोई प्रेशर भी बनाया था गुड़िया पे? हाँ, गुड़िया पे प्रेशर बना रखा था, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, ये ऐसे ही काम करते, ये लोग बैग बेचते हैं, लड़की सबको उठा उठा करके बिल किरनी गुद्दा ये सब ला करके लड़की को बेच बेच करके बेचते हैं यहाँ आकर, ला करके गली गली घूम। कैसे पता चला ये? पता चला उनके यार दोस्त नीचे उनको बताया कि हम लोग ऐसे काम करते हैं। अभी भी एक नया गाँव थाना में, पंजाब में चंडीगढ़ के पास, अभी भी थाना में इनका जीजा है वो सलीम, अभी भी वहाँ। कहाँ रखा था लड़की को? लड़की के ये पता ही नहीं चल रहा था, दोनों आदमी मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे थे। फिर इनका जीजा का जब उठा करके ले गया लड़के सबको, तब ये उनका जीजा रिश्तेदार सबसे बात किया, तब इन्होंने बताया जो यहाँ पे अलीगढ़ में है। कै दिन से थे अलीगढ़ में ये? आप कितने दिन हो गए? 29 तारीख को उठाया ये, 29 तारीख के आज 4 तारीख हो गया। कहीं से लाया अलीगढ़? हाँ जी, मोटरसाइकिल से लाया ये, चंडीगढ़ से मोटरसाइकिल से अलीगढ़ लाया। तो क्या लव जिहाद में फंसाया था इसने? हाँ जी, लव जिहाद में ये फंसा करके लाया ये, और इसको बस। क्या चाहते हैं आप? मैं यही इंसाफ चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ इंसाफ चाहता हूँ मैं पूरे मीडिया वाले से, पूरा देशवासी से, थाना से, हर एक चीज़ से मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरे लड़की मुसलमान होकर के लड़की को उठा करके, अभी मेरे लड़की 16 साल की लड़की है मेरी, 10वीं क्लास में पढ़ता है।
ठीक है, तो ये चाहता है हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़की मेरी बच्ची है, पढ़ने का उम्र है उसका, और इसने सर्वनाश कर रहा है, लड़की सबके लाला करके सर्वनाश कर रहा है, बेच रहा है, किसी की आँख निकाल करके, किसी की किडनी निकाल के, किसी के गुर्दे निकाल करके बेच रहा है। इनको पैसे मिलते हैं 50 लाख 20 लाख 30 लाख, यही काम करते हैं, धंधा करते हैं। लव आज वाले सिस्टम बना रखे हैं इसने, बेचो इनको ऊपर से पैसे मिलते हैं। सिवा सिविल लाइन अनिल समानिया ने बताया कि कल शाम को न्यायालय डीएमए एडीए 17 की कोर्ट में एक लड़का शादी का आवेदन लेकर पहुंचा था। वहां उस पर लड़के की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उस लड़के का कल मेडिकल पुलिस ने कराया था, जिसके बाद धारा 147 323 504 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और जानकारी करने पर यह मालूम पड़ा कि इस लड़के के अपहरण का संबंध मुकदमा थाना नया गांव मोहाली चंडीगढ़ में 363 366 IPC के तहत पंजीकृत है। मोहाली की पुलिस भी थाना सिविल लाइन पर आ गई और जो लड़की है उसके घर वाले भी वहां आ गए। लड़का लड़की दोनों को लेकर पुलिस जा रही थी, क्योंकि वहां पर पहले से मुकदमा दर्ज है, अग्रिम कार्रवाई वहीं से होगी। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। कल शाम को माननीय न्यायालय एडीजे 17 साहब के कोर्ट में झगड़े की सूचना पर पुलिस बल गया था। वहां जाकर मालूम हुआ कि सोनू मलिक नाम का एक लड़का, जो जीवनगढ़ का रहने वाला है और ये अम्बाला में कपड़े का काम करता है, ये पंजाब से एक लड़की को लेकर आया था। दोनों शादी करना चाह रहे, दोनों बालिग हैं। इनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, उसे पहचान करके थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी उसका मेडिकल कल हो गया था, मेडिकल के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।